प्यारे सुंदर साहब जी, धाम की बहनों, आज श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 22 चौपाई 80 से हम प्रारंभ करेंगे। इसके पहले आप सभी से गुजारिश है कि हर घड़ी हर पल धाम धनी की सूरत को देखते रहिए। जो सूरत दिल देखत त्यो रूह जो देखे सूरत, तो बेर नहीं रूह लज्जत तेरे अंग जात निस्बत। इसका मूल भाव यह है कि जैसे हमारे मूल तनों का दिल अपने प्राण प्रीतम धाम धनी अक्षरातीत नूर जमाल के नैनों से नैना मिलाकर उनके अंगों को देखती रहती है, अगर उसी प्रकार से यहां पर आई हुई हम बहने आत्माएं जो मूल तन के जैसी ही है, प्रतिबिंब है, आत्म परात्म में कोई भेद नहीं रहता, तो जिस प्रकार से धनी के चरणों में बैठकर उनके नैनों से नैना मिलाकर उनके अंगों को देखती रहती है, और मूल मिलावे में ही नहीं, जितनी लीला भी हम धनी के मेहर से करते हैं, हमारे नैन उनके नैनों से मिले रहते हैं और उनके नख से शिख तक के हर अंग को हम निहारते रहते हैं, हर घड़ी हर पल। अगर ऐसे ही इस संसार में रहकर भी हम आत्माएं धनी के नैनों से नैना मिलाकर उनके नख से शिख तक के अंग अंग को निहारते रहे तो हमारा हृदय और परात्म के हृदय में कोई भेद नहीं रह जाएगा। जो सूरत दिल देखत, यहां पे सूरत कहा है परात्म के दिल को, तो जिस प्रकार से परात्म का दिल राजी के सूरत को देखता है या देखती है, त्यो रूह जो देखे सूरत, उसी प्रकार से हम आत्माएं भी अगर धनी के स्वरूप को नख से शिख तक के हर अंग को हर घड़ी हर पल देखते रहें तो बेर नहीं रूह लज्जत, जो लज्जत धाम में हमारे मूल तन सदैव धनी के नैनों से, धनी के चरणों से, धनी के अंगों से लेती रहती, उस नूर को अपने दिल में धारण किए रहती है, तो यहां पर आई हुई निस्बतियां हम आत्माएं जिनकी धाम धनी से अखंड निस्बत है, भूले हैं वो एक अलग बात, लेकिन
अंग तो हम धनी के ही हैं, उनके नूर तन हैं। धनी ने बात हमें हमारे दिल में समझा दी, रूहो तुम मेरे नूर तन हो, सो वाहदत के बीच एक। वो मेरी प्यारी रूहो, तुम मेरे नूर तन हो, मेरा तन नूर है, नूर का है। आप जरा सिंदसात नूर के सागर को देखें, अग्नि कोण में धामों में इसकी चर्चा तो होती ही रहती। आज चलिए नूर सागर में हम प्रवेश करते। पहले नूर सागर के स्वरूप को हम उसके किनारे बैठकर देखते हैं। जैसे कोई सागर होता है, उसका एक ऊपरी भाग होता है, सतह होता है, मध्य में होता है उसकी जब गहराई में जाते हैं तो, और जब बिल्कुल अंदर चले जाते हैं तो वो सागर की तली होती है। इसका भाव ये है कि सागर की जो तली है वो नूर है, और वहां पर सागर के अंदर अनंत नग होते हैं, हीरा मोती हर जवाहरात, और ये हीरा मोती जवाहरात माणिक है क्या? परातम का स्वरूप है। राजी सब रूहों को अपने दिल के अंदर रखते हैं। सागर राजी का पूर्ण स्वरूप है और उसकी जो तरहटी है वो दिल है, और उसके अंदर हर रूह रहती है। ये जो नगों के नाम लिए जाते हैं वो मूलतः सब रूह है, और उसकी शोभा अनंत है, और ब्रह्म सृष्टियां जो धाम धनी के दिल के भीतरी प्रकोष्ठ में रहती है वही ठिकाना है, मूल ठिकाना है। मारिफत की का मूल मिलावा वो सागर का तरहती है, और वहां पर सभी ब्रह्म सृष्टियां लीला करती, और उनके नक्शे शिखतक का सौंदर्य जो अनंत नूर होता है वो तरहती में फैलता हुआ मध्य में आ जाता है। मध्य में क्या होता है? लाड़। यानी धाम धनी के दिल के अंदर जो रूहों के प्रति अनंत लाड़ है वो सागर के गहराई में जो मध्य स्थिति है बीच में, वहां पर वो प्रकट होता है। जो लाड़ का इजहार है उसी को मेहर कहते हैं। तो हर सागर के मध्य का भाग मेहर सागर है, और उसके ऊपर धाम धनी के सौंदर्य से भरा हुआ तन है। तो तन दिल का मध्य और दिल का प्रकोष्ठ, बस ये ध्यान लगाने की बात है कि किसी भी सागर के सौंदर्य की शोभा को देखना है तो उसके ऊपरी
सतह पर ही दिखता है और वहां धामधनी के तन का अंग अंग का शोभा हमारे दिल के अंदर बस जाती। हक के मुख का नूर जो सो नूर है सागर जा, तेज ज्योत या सलूकियां शोभा सागर भरिया आसमान। आओ बहनों, नूर सागर के किनारे बैठकर हम सागर की लहरों को, तरंगों को निहारें और वो सब हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत के मुख का नूर है, जो नूर उस सागर के भीतरी प्रकोष्ठ से होता हुआ, मध्य से होता हुआ लहरों के रूप में ऊपर लहराता है। देखो सुंदर सागर, और उसका जो तेज है, ज्योति है, आकार है, शोभा है, सौंदर्य है, वो सागर से लेके आसमान तक भरा होता है। शोभा सागर भरिया आसमान, सागर के ऊपर जो धाम धनी के तन का स्वरूप है, उसके अनंत शोभा लहरों से होता हुआ आसमान तक जाता है। तो आसमान और जिमी के बीच में धामधनी के सुंदर मुखड़े का, मुख चौक का नूर चारों तरफ झिलमिलाता है। तो सुंदर साज जी, आप देख सकते कि धनी के जो अंग हैं और उसके अंदर जो लहरें हैं वो वहदत कहलाती है और वही रूह है जो धाम धनी के दिल के गहनतम प्रकोष्ठ में विश्राम करती है, लीला करती है, आनंद में रहती है। वो धनी के अंग अंग में जो ऊपरी हिस्सा है उसमें वो प्रकट होती है। जो सागर का सबसे भीतरी हिस्सा है वो वाहिद है, एक और धनी का दिल है और उसकी लहरें जो प्रकट होती हैं वो वादत है। तो रूहें लीला करती हुई दिल के अंदर, तो ऊपरी हिस्सा सागर का अर्श की हकीकत है और सबसे गहराई वाला हिस्सा मारिफत है। और अंगों से होते हुए जब हम मध्य में पहुंचते हैं तो वो मेहर का सागर है और ये सब मिलाकर नूर सागर। तो जब परातम इस बात को समझ तो नहीं पाती, वो समझाने के वास्ते आत्माओं को धनी ने अपने दिल से इल्म प्रकट करके प्राणनाथ ने हमें समझाया कि जो सूरत दिल देख, परातम का दिल जिस प्रकार से सूरत को देखता है, तो एक तो है अर्श की हकीकत जो 25 पक्षों में हम लीला करते हैं उस घड़ी उस पर, लेकिन आप नूर सागर के किनारे बैठ जाए, नीर सागर, क्षीर सागर, कहीं भी 8 सागरों के किनारे पे बैठ जाए,
और जो उसका ऊपरी हिस्सा है, उसका जो रंग है, उसकी जो उसका जो अप्रतिम सौंदर्य है, उसके अंदर लहरों के अंदर बूंदे हैं और वो बूंदे भी रूह है। तो जब आत्माएं वहां बैठकर दामदनी के नूर तन के अंदर जो प्रेममयी लहरें वो आनंदित करती, प्रेम आनंद सौंदर्य, उसकी जो आभा है वो जिमी से आसमान के बीच में कांति चमक छटा है और रूहें उसको देख देख कर उमंगित होती है, प्रेम के जोश से भर जाती है। तो जिस प्रकार से परआत्म उसको देखती है, वैसे ही अगर अब आत्माएं इल्म से जागृत होकर उसको देखेंगी तो एक क्षण भी नहीं लगेगा धामधनी के दिल के अंदर विराजमान अनंत रस की लज्जत पाने में। तो बेर नहीं रूह लज्जत तेरे अंग जात निस्बत। वो लहरें वाहदत और निस्बत में कोई फर्क नहीं होता, ये हो ना बिना निस्बते इत ही हुई वाहदत, निस्बत वाहदत एक है तो क्यों कहिए, तो जुदी क्यों कहिए खिलवत। और खिलवत क्या है, संपूर्ण सागर का स्वरूप जो हमारे प्राण प्रीतम का तन और दिल है और उस दिल के अंदर जो रूहों के प्रति अनंत लाड़ है वो मेहर के रूप में विराजता है। तो हकीकत और मारिफत के बीच में मेहर डोलता है और हर अंग से वो मेहर प्रकाशित होता है। फरक नहीं दिल रूह के, ए तो दो रहे इल मिल, अरस में जो रूह है तो हके कया अरस दिल। राज्य के दिल, रूहों के दिल में, धाम की रूहों के दिल में और यहां आई हुई पर आत्म के दिल कोई फर्क नहीं। फर्क नहीं दिल रूह के, ए तो दो रहे हिल में, परातम का दिल धामधनी के दिल में विराजता है जैसा अभी आपने देख लिया कि सागर के गहनतम वाले हिस्से जो एकदम गहराई वाला हिस्सा है वहां पर राज्य का स्वरूप, रूहों का स्वरूप, राज्य का दिल, रूहों का दिल मिल जाए। अरस में जो रूह है, अब ये अरस में एक हकीकत में लीला का स्वरूप है रूहों का और मारिफत के अंदर सागर के गहराई में। अरस में जो रूह है तो हके कया अरस दे और उनके दिल को अर्श कहा, यानी स्वयं उसके अंदर विराज गए। और अगर उनके दिल के अंदर विराज गए तो आत्म के दिल में भी विराजते। दिल मोमिन अरस्तन बीच में, उन दिल बीच ए दिल, कहने को ए दिल है अरसे दिल से। तेरा दिल लगिया जो सूरत, त्यों जो सूरतें रूह लगे। जिस प्रकार से परातम का दिल धामधनी के दिल से लगा हुआ है, उनके अंगों को देख रही होती है, उनके रोम रोम में धनी बसते, रोम रोम बीच रमी रहिया, पियू आसक के अंग
इसके लिए ऐसा किया कोई हो गया एक रंग, सब नूर सागर हो जाते। तेरा दिल लग गया जो सूरत को, सूरत यानी राज्य के स्वरूप, त्यों जो सूरतें रूह लगे, जैसा पर आत्म का दिल राज्य के दिल से लगा हुआ है, उनके अंगों में बसता है, उनके दिल में बसता है, वैसे ही अगर यहां पर विराजमान जो धनी के संग आई हुई आत्माएं, उनकी सुरता धनी से लग जाए। सुंदर साथ जी, एक बहुत बड़ी प्यार भरी बात है। एक तो हम चितवन में धाम के अनंत सागरों को देख सकते हैं, सागर के ऊपरी हिस्से को देखते हुए महर को प्राप्त करते हुए उनके दिल में प्रवेश कर जाते हैं, ऊपर बीच और सबसे नीचे देख लीजिए। वैसे ही अगर इस संसार में भी रहकर हमारी सुरता उसी प्रकार से धनी के चरणों में, उनके अंगों में, उनके दिल में और महर के रस में डूबी रहे, तो जो सुख पर आत्म को मिलता है वो सुख आत्म को भी मिलता है। और धनी ने देखिए कितना बड़ा काम किया हमको सुख देने के वास्ते। परम धाम के अंदर क्या धनी ने आपको एक क्षण के लिए भी छोड़ा? कभी 25 पक्ष को देख लीजिए जिसकी चर्चनी हम हर घड़ी हर पल करते ही रहते, देख लीजिए कोई भी जगह बता दीजिए जहां धनी हमारे साथ ना रहते। प्रथम भूमि से लेके दसवीं तक रंग परवाली में देख लीजिए, बाग बगीचों में देख लीजिए, जमुना जल में क्रीड़ा करते हुए देख लीजिए, सागरों में क्रीड़ा करते हुए देख लीजिए, बिलंद हिंडोलों में क्रीड़ा करते देख लीजिए, बट पीपल की चौकी पर 520 हिंडोले, हर हिंडोले पे राज्य और सखी, केल पुल बट पुल 1100 हिंडोले, सब पर पौड़ने का भी सुख, बातें करने का भी सुख, तनी एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़। अब आप बताइए कि आप में और पर आत्म में कोई भेद तो है नहीं, तो अगर पर आत्म को इतना सुख हर घड़ी हर पल देते हैं, तो क्या इस संसार में उनके संग ही आई हुई आत्माओं को वो सुख नहीं देंगे? और वो सुख देने वाले अक्षरातीत कौन है? प्राणनाथ। गुम्मट जी में देखें या बंगला साहेब में देखें या सदगुरु के मंदिर में देखें या बाईजूराज जी के मंदिर में देखें, चोपड़ा जी के मंदिर में देखें, खिजड़ा जी के मंदिर में देखें, हर घड़ी हर पल उनके नैन हमें निहारते रहते कि हम क्या कर रहे हैं और हम उनसे अलग तो नहीं हो, गलती से भी। और उनका जो दिल है, जो महर का स्वरूप है, उसके अंदर ऐसा आकर्षण भरा चुंबकत्व की शक्ति है कि जो रूहें यहां हैं और जिनकी सुरता लगी रहती है वाणी में,
वो कभी अपने प्राण प्रीतम से अलग नहीं हो सकती। और धनी ने तो साफ बता दिया, प्रीतम मेरे प्राण के अंगना आतम नूर, मन कल्पे खेल देखते ये दुख करूं सब दूर। खेल देख के तकलीफ हो रही, लेकिन धनी ने कहा कि तुम मेरे प्राण के प्रीतम। हम कहते हैं वो हमारे प्रीतम है, और वो कहते हैं तुम हमारे प्रीतम। इससे मदमाती बात और क्या हो सकती है। तेरा दिल लग्या जो सूरत को, त्यों जो सूरते रूह लगे, तो अब ही ले रूह लज्जत एक पलक में जगे। सागरों को देख ले, सागर की लहरों को देख ले, ऊपरी हिस्सा के सौंदर्य को देख ले, मध्य में मेहर में डूब जाए, और उसका जो आकर्षण शक्ति है वो आपके मूल मारिफत में पहुंचा देगी। तरह की तो ऊपरी हिस्सा अर्श की हकीकत, सबसे नीचे वाला हिस्सा अर्श की मारिफत, और इन दोनों के बीच में मेहर का स्वरूप। और मारिफत से होते हुए मेहर में झीलते हुए धनी के अंगों में समा जाते। और ये बात धनी ने अपने इल्म के सागर जो श्री गुम्मट जी में उसका प्रतीक वांग्मय स्वरूप पधरा हुआ है, वो धनी का ही स्वरूप है। हम जब पन्ना जी जाते हैं तो जब हम उस स्वरूप को देखते हैं जो वहां विराजे हुए, तो हमारी सुरता क्या, धाम के नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, नदी सागर, घृत सागर, मधु सागर, रस सागर, सर्व रस सागर में नहीं लिखता क्या? सिर्फ मत्था टेक ले, 10-15 मिनट बैठ जा, उससे बात नहीं बनती। क्योंकि धनी ने बताया हमें कि ये मेरा ही स्वरूप है। जैसे तुम धाम में मेरे दिल में रहती, वैसे ही ये इल्म का सागर है, इसके भी जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, यानी अनंत गहराइयों वाला, वाणी के गहराइयों में जब हम प्रवेश करते हैं तो वस्तुतः हम उनके दिल में प्रवेश कर रहे होते हैं। वाणी की गहराइयां, पाठ कर लिया, सेवा पूजा कर ली, अच्छी बात, इसमें गलत कुछ नहीं। लेकिन ये करते समय हर घड़ी हर पल धाम धनी के दिल के गहराइयों में पहुंचना है, और वहीं से जब मेहर का स्वरूप आपको खींचता है अपने आकर्षण शक्ति से, तो मेहर का रस मिलता है। और फिर उस मेहर के बल से हम धनी के अंगों को देख पाते हैं। तो तन, मेहर और दिल, हकीकत और दिल के बीच में मेहर का सागर। रूह तो तेरी दिल बीच में, तो कया दिल अरस। आत्माओं अपर आत्म कहा है,
रूह तो तेरी दिल बीच में, सागर के गहराई में, सागर के बीच में, सागर के ऊपर। रूह तो तेरी दिल बीच में, सागर के बीच में, तो कहया दिल अरस, और वो अनंत शोभा परातम के दिल में अरस परस हो जाती है। सहरख से नजीक तो कहया जो रूह दिल अरस परस। राजी का दिल, रूहों का दिल, वाहिद और वाहिदत, आत्म का दिल, पर आत्म का दिल, राजी का दिल, सब अरस परस। हक अरस परस सरस, सब एक रस। वाहिदत खिलवत निस्बत न्याम, महामत अलमस्त होए आवे, उमत लिए पीवत आवत हक हाथ सर। प्राणनाथ धाम के धनी, हमें सागर के किनारे इल्म से पहुंचाते हैं और फिर हमारा हाथ पकड़कर सागर में डुबाते हैं, अपने अंगों में डुबाते हैं, मेहर के रस में डुबाते हैं, फिर अपने दिल में ले जाकर अनंत आनंद का अनुभव कराते। तो धनी के दिल से परातम के दिल में और रूहों के दिल में कोई भेद नहीं। सूरत कहते हक की आगू रूह मोमन, हाय हाय रूह मुरग ना उड़िया, वर्णन करते अरस तन। अभी आपने जो भी सागर का स्वरूप अपने दिल में लिया, अब उसको आप यहां देख ले। जो धनी का स्वरूप है, तन है, नूर तन है, जब उसका वर्णन दामधनी स्वयं अपने हुक्म से महामती जी के द्वारा कहला रहे, तो कह दिया उन्होंने कि जो तुझे दिखाया, जो तुझे सुनाया, वो तुम अपनी इबादत के स्वरूपों को सुनाओ। आगू सूरत कहते हक की आगू रूह मोमन, जो तुहे कहे हक हुक्म, सो तू देख महामत और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहिदत। और ऐसे धनी के स्वरूप सागर के अंदर तीन हिस्से आपने देख लिए, मार्फत भी है, हकीकत भी है और मेहर भी। मेहर धनी का लाड़ है जो दिल में विराजमान रूहों को पहुंचाते हैं। और ऐसे धनी के स्वरूप को, उनके तन को, उनके दिल को देखकर, उसमें प्रवेश करके, यहां पर तो मानो तन होते हुए भी न हो। तन है मात्र हमें जीवित रखने के लिए, लेकिन जीवित रखना का कार्य यहां के माया के आनंद नहीं लेना, तन में रहते हुए तन से अलग हो जाना, वैदेही हो जाना और धनी के नख से शिख तक को देखते रहना, निहारते रहना, उनके चरण तली को देखो, कितना कोमल है, कितना नाजुक है, कितना लाल है, कितना गौर है, कितना उज्जवल है। और
ऐसे तली की लाख को, एड़ी को जब धनी ने हमारे दिल में रख दिया, तो धाम का अनंत आनंद का सौंदर्य स्वरूप हमारे दिल में विराज जाता है। आगू अरवाह अरस की करी बातें हक जुबान, हाय हाय तन मेरा क्यों रहया करते खिलवत बयान। महामती जी कह रहे कि धनी के हुक्म से, जब धनी के स्वरूप को मैंने वर्णन किया तो मेरा तन क्यों जीवित है, वो उड़ के क्यों नहीं धाम में धनी के चरणों में पहुंच जाता है। फिर हुक्म ही उनको सांत्वना देती कि मैं हूं तो तुम्हारे पास, तुम क्यों सोचते हो कि तन छोड़कर ही हमको मिलोगे, इस तन में रहते रहते तुम मुझको मिले हो और मैंने भी तन तुम्हारे जैसा धारण कर रखा है, ऐसा धनी फरमाते। वो हमारे प्राणनाथ का स्वरूप है। रूहे रहे अरस दरगाह में जो दरगाह नूर जमाल। ये दरगाह हम अक्सर सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, मूल मिलावे को कहते हैं, परम धाम को भी कहते हैं। लेकिन आज तो मेरे दिल में एक ही बात आ रही है कि धाम धनी के दिल का जो पूरा जो स्वरूप है वो सागर का स्वरूप, नूर नीक शीर्षक, एक एक सागर में अनंत सागर। वो दरगाह है क्योंकि हम रूहों का ठिकाना धनी का दिल है। रूहें रहें अरस दरगाह में जो दरगाह नूर जमाल, तो सागर ही तो धनी का तन है, धनी का दिल है और धनी की मैर भरी लीला का स्वरूप है। दिल और तन के बीच में जो मध्य का सागर का हिस्सा है वो बहर की लीला है। रूहे रहे अरस दरगाह में जो दरगाह नूर जमाल, एक करते बयान खिलवत का, हाय हाय रू रही किन हाय। अब ये खिलवत क्या है, वही जहां बहर है, मारिफत और हकीकत के बीच में जो खिलवत है, उस खिलवत की आनंदमयी लीला जो धनी की मेहर से रूहों को पूर्णतया मिलती। फेर फेर महबूब देखिए, अब इस संसार में रह के ओ आ मेरी प्यारी आत्मा, हर घड़ी हर पल धनी के अंगों को देखो, लगे मीठड़ा मुख मासू, मीठा मीठा सुखदाई रस से भरी, गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए मुख चौक, सुंदर हरवटी लाल लाल अधुर श्वेत दंत, मीठी रसना नासिका, सुंदर गाल, श्रवण अंग, नैन अनियारे बके तिरछे मदमाते, पलके भौंहे निलवट, शिव सुंदर अमृत सुल्फ। ऐसे मुख चौक का जो नूर है उनके अंगों में फैला हुआ है,
झिलमिलाता है और उसका सौंदर्य आसमान में चक्के मुक्का मोज सुमूर ऐसा। और जो दिल के प्रकोष्ठ में विराजित मारिफत जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जाए, तो जो सबसे गहराई वाला हिस्सा है दिल मारिफत, उसका जो नूर है वो महर से होता हुआ तन के ऊपर छिलमिलाता है और उसकी शोभा आसमान तक पहुंच जाती। अंग गौर ज्योत अंबर लो छवि देख दिल ओतना भूख। तो ऐसे गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए अंगों की ज्योति जो है, नूर जो है, वो अंबर आसमान तक पहुंचती है, छवि देख दिल उतना, और ऐसी शोभा को देखकर दिल फूक फूक हो जाता है, फना हो जाता है, कुर्बान हो जाता है। रूप रंग अंग छवि सलूकी कहे वस्त्र भूखन एक कहते अरवा ना उड़ी, हाय हाय कैसी उज्जत मोमिन। धनी के अंगों का सौंदर्य रूप, उसके अंदर नूर के अनंत रंग, उनके हर अंग में उसकी जो आकार है, उसकी जो शोभा है, उन्होंने जो वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए, कहे वस्त्र भूख और वस्त्र अहो या आभूषण, वो सब रूहें हैं। तो धनी के अंगों से अरस परस होती हुई वस्त्र और आभूषण रूपी रूहें उनके तन पर विराजती। देखो सुंदर साहब, जितने ये वस्त्र और आभूषण है इजार है, जामा है, पटुका है, पाग है, चरणों के आभूषण, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ा, बाहों में बाजू बंद है, पौंछी, अंगूठी, मुंदरी, नासिका में बेसर है, श्रवण अंग में लटकते हुए आभूषण मोतीलाल लहराता, पाद में तो अनंत नगों की शोभा है, लाल है, कलंगी है, दुगदुगी है, ये सब धनी के दिल से तन से चिपके रहते, लेकिन धनी का दिल में रूह रहती है ब्रह्म सृष्टि। लेकिन ये आभूषण भी जो रूह है वो भी इतना मचलती है कि वो रूहों के संग वहां पहुंच जाती। पशु पक्षी जानवर सब धनी के दिल में बसते, कोई आत्म ऐसी नहीं है जो धनी के दिल में ना रहती।
परम धाम के 25 पक्षों की शोभा को देखिए, सब रू है और वो सब धनी के दिल में जा विराजती। तो एक ब्रह्म सृष्टि जो 12,000 रू है, धनी के दिल में विराजती, उनके चरणों में बैठी रहती, वैसे ही बाग, जिमी, आसमान, दरख्त, पशु, पंखी, जानवर, पहाड़, तिनका, सब धनी के अंगों से लगकर उनके दिल में प्रवेश कर जाती। और धनी किसी से भी अंतर नहीं रखते कि हम सिर्फ तुम्हें देंगे और इसको नहीं देंगे, सब हमारी सगी बहनें। रूप रंग अंग छवि सलूकी, कहे वस्त्र भूखन, ये कहते अरवा ना उड़ी, हाय हाय कैसी उचित मोह। और जब उस वस्त्र और आभूषणों का बयान होता है तो हमारी, हमारा जो दिल है, हमारा जो अरवा है, वो उड़ के उन वस्त्र और आभूषण से अरस परस हो जाती है। और ये हमारा मोमिनों का अधिकार है। पाऊं लीक कहते अरवा उड़े, क्यों बरनवी हक सूरत, बंद बंद छूट ना गए, हाय हाय कैसी अरस हुज्जत। चरण तली के लाक में जो लीके हैं, जब उसका बयान होता है तो धनी का पूर्ण स्वरूप हमारे दिल के नैनों के अंदर समा जाता है। और जब धनी के अंगों का, स्वरूप का, मुख का, छाती का, पीठ का, बाजुओं का, जांघों का, पिंडली का, चरणों का, टखने का, ये सब स्वरूप जब हम देख रहे होते हैं तो दिल बाग बाग होकर उछलता है। बंद बंद छूट ना गए, हाय हाय कैसी अरस। हमारे एक एक अंग क्यों जुदा नहीं हो जाते जब हम धनी के स्वरूप का, अंगों का, दिल का वर्णन करते। कहया गौर मुख मासूक का, और निलवट असल तिलक, हाय हाय ये बयान करते क्यों जिए, हम में रही नहीं रंचक। अब धनी के सुंदर मुखड़े का जब बयान होता है, गौर उज्जवल कहने लाला मुस्कुराते हुए, जब हम उनके अधरों को देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम उस अंग से अरस परस हो गए। जैसे अधर लाल, वैसे रूहों का मुखारविंद भी लाल नीरसा। कया गौर मुख मासूम का, और निलवट असल तिलक, और जो पेशानी पर, मस्तक, निलवट एक ही शब्द है, वहां जो तिलक की शोभा है। अब ये तिलक क्या है? तिलक धाम धनी के लाड़ का स्वरूप है। जब हम रूहे उसको देखती हैं तो हम उस पर फिदा हो जाती है, कुर्बान हो जाती है, हाय हाय ये वर्ण करते क्यों जिए, हम में रही
नहीं रज्जब, हमारा मानो प्राण ही चला जाता है, तो धनी के अंगों से लग जाता है। सुंदर साथ जी, धनी के अंगों को निहारना ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। उनके चरणों को अपने हस्त कमल में रखना है, उनके नैनों से नैना मिलाना है और दिल में ये आभास हो जाए कि जो उनके अंग है वो हमारे अंगों से अरस परस एक है और ऐसा रस सरस है, सबसे बढ़िया है। और बस इसी प्रकार से हम सब मिलकर चितवन करते रहें, करते रहें, करते रहें, चाहे दिन हो चाहे रात, बस थाम धनी की याद। सुंदर साथ जी, आज अभी जो आपने सुना, अब 101 नंबर की चौपाई में जरा गौर कीजिएगा। अभी कहना तो बहुत कुछ है लेकिन समय की मर्यादा रहती है। लाल अधुर कहे मासूक के, सो दिले भी देखी लालक। रूहों का दिल भी लाल, उनका मुखारविंद भी लाल, और जो मासूक राजी के लाल अधुर है, सो रूहें उन अधुरों को देखती है और उसकी लालिमा उनके अंगों में बस जाती है। ये देख लोहू मेरा क्यों रहया, सूख न गया माहे पलक। जब धनी के अधरों को देखते हैं, तो बस डूबने का ही जी करता है। हके अरस किया दिल मोमिन, ये मता आया हक दिल से। हके दिल दिया किया लिखिया, हाय हाय मोमिन डूबना मुए इनमें। रूहों को जैसे धाम में अरस परस रखते हैं, वैसे ही यहां भी आत्माओं के दिल को अर्श कर देते हैं। और राजी अपने दिल को रूहों के दिल में विराज देते हैं। हके दिल दिया किया और इल्म के रूप में लिख दिया, मारिफत और हकीकत के सभी भेद, और ऐसी वाणी में हम रूहें डूब जाए। और मुए मतलब मरना नहीं होता, आय है मोमिन डूब न मुए इनमें, बस उसमें ही रहना। और यही धनी के अंगों में डूबे रहना आत्माओं की रहनी है। तो आज इसी चौपाई पर विराम लेंगे।